तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस के ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है और जो टॉप परफॉर्मर होते हैं ट्रेनिंग के टाइम में तो क्या उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, इसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो क्या इन्फोसिस कंपनी आपको डिसक्वालीफाई कर देगी, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को वेलकम किट से रिलेटेड डाउट है कि क्या ट्रेनिंग के टाइम पे आपको वेलकम किट मिलता है या फिर ट्रेनिंग के बाद में वेलकम किट मिलता है, तो सारी चीजें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग इन्फोसिस का सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं कि किस तरीके से दोस्तों आप सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर ऑनलाइन असेसमेंट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। अगर दोस्तों आप इंटरव्यू में जो है सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक मेल देखने को मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ जॉब ऑफर। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफर लेटर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल प्रोसेस होता है इन्फोसिस कंपनी का। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रेनिंग होती है वो दोस्तों कोविड से पहले मैसूर में ट्रेनिंग होती थी जो कि दोस्तों 6 मंथ के आसपास आपकी ट्रेनिंग चलती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोविड के आने की वजह से यहाँ पे जो ट्रेनिंग है इन्फोसिस की वो दोस्तों 2.5 मंथ से लेके 3 मंथ के आसपास दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग हो चुकी है। और ट्रेनिंग के टाइम पे दोस्तों आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इन हैंड सैलरी की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में दोस्तों यहाँ पे जो CTC पैकेज होता है पर मंथ वो 25,000 के अप्रॉक्स होता है और जो आपको दोस्तों इन हैंड सैलरी मिलती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो दोस्तों 20,000 होती है इसमें इन्फोसिस कंपनी में। अब दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलती है वो दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, जैसा कि दोस्तों आप परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसी हिसाब से दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होगी। अब कितनी इंक्रीमेंट होगी वो टॉप परफॉर्मर बेस्ड होता है, तो वो चीज़ अभी मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके की होती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि कैपजेमिनी में जो ट्रेनिंग होती है वो दोस्तों एडाप्ट प्लेटफॉर्म पर जाके होती है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक लेक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोस्तों ये लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है वो 9 to 6 यहाँ पे जॉब होता है जो कि आप कह सकते हैं ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है और इस ट्रेनिंग को दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करनी होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 20,000 यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलती है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग वो दोस्तों ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो जेनरिक और स्ट्रीम बेस्ड ट्रेनिंग होती है। अगर आप दोस्तों एक नॉन CS ब्रांच से हैं तो एटलीस्ट दोस्तों आपको कोडिंग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। अगर आप अभी कंपनी ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको ऑफर लेटर अभी तक मान लीजिए नहीं आया है, जब आपको ऑफर लेटर आ जाएगा आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो एटलीस्ट दोस्तों आप पहले से कोडिंग वगैरह अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में कोडिंग वगैरह आप सिंपल कोड करिए सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें दोस्तों आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट दोस्तों कोडिंग के बारे में आप पहले से अगर नॉलेज रहेगी तो दोस्तों आपके लिए काफी बेटर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है आपकी उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं किस तरीके से आपको देने होते हैं। तो दोस्तों आपको 9 to 6 पहले आपको जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है आपको ट्रेनिंग करनी होती है, तो दोस्तों जो भी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है उसी दिन दोस्तों आपको अच्छे तरीके से जो है रिविज़न कर लेना है उसी दिन, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है डिले करेंगे तो आपका जो बर्डन है वो बढ़ता ही जाएगा, तो इस वजह से दोस्तों आपको जो है उसी दिन रिविज़न करके जो है उसे ख़त्म करना है, तो इससे जो ट्रेनिंग होगी वो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम होते हैं वो भी काफी दोस्तों आपको सीरियस लेना है क्योंकि उसी के बेस पे दोस्तों आपको जो आफ्टर ट्रेनिंग जब आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो भी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस बेस पे, तो इस वजह से दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा सीरियस लेनी है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो दोस्तों उसमें जो है जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एटलीस्ट दोस्तों 65% वहाँ पे कट ऑफ होता है, जो कि दोस्तों आपको एटलीस्ट 65% तो वहाँ पे आपको स्कोर करना होता है।
अब यहाँ पे दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के जो है जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो किस तरीके से इन्फोसिस कंपनी रखती है। और दोस्तों यहाँ पे जो कैटेगराइज कर दिया है इन्फोसिस कंपनी में, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है एक टॉप परफॉर्मर होता है, फिर दोस्तों हाई परफॉर्मर होता है, उसके बाद दोस्तों एबव एवरेज परफॉर्मर होता है, फिर एवरेज परफॉर्मर होता है। तो ये चार कैटेगरी होती है। अब दोस्तों ये किस तरीके से इन्फोसिस कंपनी ये क्राइटेरिया लगा करके मेजर करती है कि ये एक टॉप परफॉर्मर है, ये एक हाई परफॉर्मर है, ये एक अबव एवरेज परफॉर्मर है, या फिर ये एवरेज परफॉर्मर है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप एक टॉप परफॉर्मर हैं, मतलब कि दोस्तों आपने जो है 92 से अबव स्कोर कर रखा है, इस वजह से दोस्तों आपको टॉप परफॉर्मर कहा जाएगा। अब टॉप परफॉर्मर में आपको क्या इनहैंड सैलरी मिलती है आफ्टर ट्रेनिंग, इनहैंड कितना मिलता है? तो दोस्तों जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो 25,000 मिलती है पर मंथ, और प्लस दोस्तों आपको वन टाइम बोनस भी 25,000 देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों एक टॉप परफॉर्मर की सैलरी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाई परफॉर्मर की। हाई परफॉर्मर की जो दोस्तों अगर आपने स्कोर कर रखा है 80 से लेके 92 के बीच में, और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है वो दोस्तों 25,000 होती है, लेकिन दोस्तों अब की बार जो है आपको कोई भी वन टाइम बोनस नहीं मिलता 25,000। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है टॉप परफॉर्मर और एक हाई परफॉर्मर में, ठीक है। टॉप परफॉर्मर को दोस्तों यहाँ पे जो है वन टाइम बोनस भी मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है हाई परफॉर्मर में सिर्फ आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, वन टाइम बोनस नहीं मिलता। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं अबव एवरेज परफॉर्मर कौन होता है। अगर दोस्तों आप 70 से लेके 79 के बीच में स्कोर करते हैं तो आपकी जो इनहैंड सैलरी होगी वो दोस्तों यहाँ पे 22,500 के अप्रॉक्स आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल सैलरी होती है, इसमें आपको कोई वन टाइम बोनस नहीं मिलने वाला है। तो ये एक अबव एवरेज सैलरी है, ठीक है, अगर आप एक परफॉर्म करते हैं 70 to 79 के बीच में स्कोर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एवरेज परफॉर्मर आता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है 65 से लेके 69 के बीच में स्कोर करते हैं तो आप एक एवरेज परफॉर्मर कहे जाएंगे, और इसमें दोस्तों जो आपको सैलरी मिलती है, तो दोस्तों आप अगर 65 से लेके 69 तक स्कोर करते हैं इस बीच, तो दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी वो 21,250 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल होता है एवरेज परफॉर्मर का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि एटलीस्ट दोस्तों आप 80 से लेके 92 के बीच में आप स्कोर करिए, आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और बहुत सारी दोस्तों वेबसाइट है लाइक जावा टी पॉइंट है, गिग फॉर गिग है, आप इनको भी दोस्तों जो है हेल्प में ले सकते हैं और ट्रेनिंग अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एटलीस्ट 80 से लेकर 92 के बीच में एवरेज स्कोर करिए, और दोस्तों 92 से अबव आपका स्कोर नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट आपको इनहैंड 25,000 तो सैलरी मिलनी चाहिए इन्फोसिस कंपनी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वेलकम किट के बारे में। तो दोस्तों जो इन्फोसिस कंपनी की तरफ से आपको लैपटॉप वगैरह वेलकम किट में मिलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या सर वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलता है या फिर आफ्टर ट्रेनिंग मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको किट देखने को मिलता है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से। आई होप दोस्तों ये डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको किसी वजह से अगर प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होता है तो दोस्तों आपको एक वीक या फिर वन मंथ आपको जो है बेंच पीरियड में बैठना पड़ता है। उस बेंच पीरियड के दौरान दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन्फोसिस कंपनी प्रोवाइड भी करती है, जहाँ पे दोस्तों आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्स के सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जो कि दोस्तों आगे की कंपनी में आपके लिए काम भी आएगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल होता है बेंच पीरियड। जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, आप खाली बैठे होते हैं, तो उस टाइम भी दोस्तों आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और अच्छे से दोस्तों अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए। तो दोस्तों आई होप आपके जो सारे डाउट हैं वो दोस्तों इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग किस तरीके से आपको जो है इन हैंड सैलरी मिलती है। तो वो दोस्तों ओवरऑल जो है आपके टॉप परफॉर्मेंस बेस्ड डिपेंड करता है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग दोस्तों अगर आप जो है मान लीजिए आपने
टेस्ट दिया उसमें आपने जो है 65 इस कट ऑफ आपने क्लियर नहीं कर पाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पे रीटेस्ट देने का चांस मिलेगा। लेकिन रीटेस्ट अगर देंगे उसके बाद दोस्तों अगर आपका 92 से अबव स्कोर होता है तो दोस्तों आपको जो है बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वन टाइम बोनस जो मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी होती है वो आपको अबव एवरेज सैलरी ही मिलने वाली है, ठीक है, रीटेस्ट में। तो इस वजह से दोस्तों आपको अच्छे से जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और अपना बेस्ट देना है। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।